Okay, so I'm gonna make this video mostly in Hindi. And it's a very sudden video, it was not decided, and I'll be recording it. This doesn't involve any kind of educational stuff, but it does involve a very important message. Or wo message hai to every fitness trainer in India. अब मैं जरा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये मैं क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज आई हैड माय हैवी चेस्ट डे एंड आज वर्कआउट ऐसा था कि सब कुछ डंबल से करना। नाउ आई गो अहेड एंड डू वन हैवी सेट ऑफ डंबल प्रेस, मतलब ये मैं कर रहा था। वेट अच्छा खासा हैवी था, 140 पाउंड्स। तो मैंने डंबल ऊपर उठाए, मैंने 3 रेप किए और चौथा मुझसे गया नहीं। तो मैंने डंबल्स ऐसे यहाँ कंधे के सहारे ड्रॉप कर दिए नीचे फ्लोर पे। अब रादर देन ये चेक करना कि बंदे को लगी कि नहीं लगी, ट्रेनर आके मेरे को डांटता है कि तुमने वेट क्यों ड्रॉप किया। पहली बात, आपका फ्लोर जो है वो किसी बंदे की जान से या उसकी इंजरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मुफ्त में कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है, और जिम के सारे रूल्स अगर कोई आदमी फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसमें स्पेसिफिकली जो है वो ये एक क्लॉज है कि अगर वेट्स उसके ऊपर गिरने वाले हों तो रादर देन वो अपने ऊपर वेट गिराए, वो उसको फ्लोर पे गिरा दे। क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर फ्लोर का इम्पोर्टेंस जो है वो उस बंदे की लाइफ से या उसकी इंजरी से कम है। तो आप क्या चाहते थे, मैं वेट फ्लोर पे ना गिराऊं तो क्या मैं अपने ऊपर गिराऊं? अब जो है लोगों का आर्ग्यूमेंट इसमें ये रहता है कि वही वेट यूज करो जो हैंडल कर पाओ। अरे भाई साहब, उस वेट से मैंने अगर रेप्स निकाले प्रॉपर तो मतलब मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। आप यूएस में कोई भी जिम चले जाओ, कोई भी प्रॉपर लिफ्टिंग जिम चले जाओ, हैवी वेट्स को, हैवी डंबल्स को वैसे ही ड्रॉप किया जाता है। पैडिंग और किस लिए लगाई हुई है आपने फ्लोर पे? उसी वजह से। अब उन लोगों को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हु गो एंड बी अ बिच इन द जिम। और इससे मेरा मतलब ये है कि जो जानबूझ के वेट आराम से रख सकते हैं फिर भी फेंकते हैं यहाँ, वो प्रमोट नहीं कर रहा मैं कि हाँ 30 पाउंड का डंबल है पर सिर्फ दिखाने के लिए बिना मतलब के चीखो और फेंक दो वेट, वो प्रमोट नहीं कर रहा। लेकिन अगर बंदा फेलियर पे है और उससे और रेप नहीं निकल रहा तो वो क्या वेट अपने ऊपर गिराए या वेट साइड में गिराए, आप क्या बोलोगे मेरे? तो एक चीज समझिए, दिस गोज आउट टू एवरी ट्रेनर, आपको लोग गुरु मानते हैं तो उन्हें ऐसा कोई ज्ञान या नसीहत मत दीजिए जिससे विश्वास उड़ जाए उनका आपके ऊपर से। अब मैं जो हूँ वो भगवान की कृपा से पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ फिटनेस के बारे में और मेरे को एक्सपीरियंस भी है। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो बिना एक्सपीरियंस के भी हैं और बहुत से ऐसे बंदे हैं जो एक्सपीरियंस के बावजूद सिर्फ आपकी बात पर डिपेंडेंट है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं। बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनके लिए 50 पाउंड का डंबल ही हैवी है। आप अगर उन्हें ये बोलोगे कि फ्लोर की कुछ भी हो जाए तुम दब के मरने ही वाले हो वेट के नीचे, लेकिन तुम तब भी उसको आराम से फ्लोर पर रखो, तो बंदे ने तो मर जाना है। अब वो जिम्मेदारी आपकी है। फिर मैं ये नहीं बोल रहा कि सब करते हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा मत करिए। आप परफेक्ट हैं, मैं तो बल्कि हर ट्रेनर को गुरु मानता हूं। इवन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अग्री नहीं करता उनकी बात से तो भी मैं उनकी बात को सुन लेता हूं और ट्राई मार के भी देखता हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी दो लाइक द ट्रेनर्स आर इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज, क्योंकि एक्सपीरियंस से अच्छा नॉलेज कहीं से नहीं मिलता। हाँ, साइंस अपनी जगह है लेकिन एक्सपीरियंस जो उनके लिए वर्क किया है आप ट्राई कर सकते हो। तो हर ट्रेनर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक्सपीरियंस की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें मत बोलिए, खास करके उनको जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जो आपकी बातें जो हैं बिल्कुल एक बाइबल की तरह पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं या अपने अंदर उतार रहे हैं। आप उनको ये बोल दो कि भाई तुम वेट पटकना मत, चाहे तुम दबके मर जाओ उसके नीचे, आप उसकी इंजरी आपकी जिम्मेदारी है। फिर
अभी रिसेंटली मेरे जिम में ये हुआ है कि, और मेरे जिम में मतलब बैंगलोर, आई जनरली स्टे इन बैंगलोर, आई एम बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर, सो नॉट इन दैट जिम, आई एम हियर इन मुंबई फॉर अ मंथ फॉर माय ऑन द जॉब ट्रेनिंग. और दिस इज इन अ प्रिटी गुड जिम, आई डोंट वांट टू डिफेम द जिम और टेक द नेम ऑफ द जिम, पर वहाँ एक बंदा था जो काफ़ी अच्छा लिफ्ट कर रहा था, हैवी लिफ्ट कर रहा था. ही वॉज स्मेलिंग अलॉट, ही वॉज स्वेटिंग अलॉट. तो दो तीन अंकल्स ने कंप्लेन की होगी, तो ट्रेनर ने आया उसको बोला कि आप यहाँ वर्कआउट मत करो, आप अगली बार से डिओड्रेंट लेके आना, तब वर्कआउट करना. क्या कर रहे हो यार, अच्छे खासा वर्कआउट बिगाड़ दिया आपने उसका. जिम के अंदर आपके पास ऑलरेडी डिओड्रेंट्स और फ्रेशनर्स हैं, हर जिम में होते हैं और होने चाहिए, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. ठीक है, हर बंदा अपना डिओड्रेंट कैरी नहीं करेगा, एक ठीक है. ये चीज आप उसको वर्कआउट सेशन के एंड में बोल सकते थे, और ये बोल सकते थे कि आप कल से लेके आना. आपको कोई हक नहीं बनता उसको जिम से बाहर निकाल देने. एम्बैरस करके वो बंद, एम्बैरस होके वो बंदा जिम के बाहर गया है, और इससे उसका मोराल भी डाउन होगा, इससे वो आपके जिम का भी एक अजीब सा नाम जो है बाहर जाके कर देगा, जबकि जिम बहुत अच्छा है. इट्स अ डैम गुड जिम, इट हैज डैम गुड ट्रेनर्स, बट बिकॉज ऑफ वन स्टूपिड मिस्टेक ये हो गया. एंड इट्स अ प्ली टू द कस्टमर्स ऑल्सो, यार स्मेल है तो आप ये बोलो ना कि रूम फ्रेशनर मारो, उसको भगाने को क्यों बोल रहे हो आप. कोई बंदा वर्कआउट कर रहा है तो उसके अंदर से पसीना ही निकलेगा, इतर थोड़ी टपकेगा उसके अंदर से. आप क्या सोच रहे हो, उसके अंदर से इत्र की महक आएगी, उसके अंदर से क्या ये जो है चंपा चमेली गुलाब, इन लोगों की इन सब फूलों की खुशबू आएगी उसके अंदर से. वर्कआउट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीना ही निकलेगा. मतलब क्या है ये, क्या क्या सोचना चाहते हो, और क्या बकवास है ये सोच कि बंदा हैवी उठा रहा है, ज्यादा चिल्ला रहा है, ज्यादा ग्रंट कर रहा है, तो उसको जिम से निकाल दो. ये क्या प्लैनेट फिटनेस बनाना चाहते हैं आप. उसके ग्रंट करने से आपको क्या मतलब है यार, उसके ग्रंट करने से क्या आपके वेट कम उठ रहे हैं, या आपको भागने में दिक्कत हो रही है, या ट्रेडमिल उबड़ खाबड़ हो जा रही है, या वो इतना जोर से ग्रंट कर रहा है कि ट्रेडमिल हिल जा रही है आपकी, क्या दिक्कत क्या है आप. एडजस्ट करना सीखिए. आपने जिम के पैसे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिम आपका हो गया, उसने भी उतने ही दिए हैं, तो उसको भी हक है ना करने का. ये आप एक्सेसिवली कोई पागल जैसा कर रहा है तो फिर मैं समझ सकता हूँ. हाँ, देर आर पीपल हु एक्चुअली कॉज अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट अननेसेसरली, कि उठा के डंबल यहां वहां फेंक रहा है बिना मतलब के, जबकि रख सकता है कंफर्टेबली, वो मैं समझ सकता हूँ. लेकिन कोई अगर मन लगा के अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग में आप दखल दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि यार उसको पसीना आ रहा है, जबकि वो बंदा टॉवल कैरी कर रहा था, पसीना भी पोंछ रहा था, तब भी उसको जिम से बाहर निकाला गया. एंड दिस इज एन इक्वल फॉल्ट ऑफ द ट्रेनर एज वेल एज द क्लाइंट. आप उसको ये चीज प्यार से बोल सकते हैं, हर चीज बोलने का तरीका होता है. मैं ये नहीं बोल रहा मत बोलो, मैं नहीं बोल रहा कि आपके जिम के रूल्स के ऊपर है कोई क्लाइंट या उसका वर्कआउट, मैं ये बोल रहा हूँ उसको बोलने का तरीका होता है. इमेजिन उसको कैसा लगा होगा, एम्बैरस भले जिम में से, भरे जिम से बाहर निकलना, व्हेन ही वाज किकिंग एस व्हेन ही वाज ट्रेनिंग. आप गुरु हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है. आई नो बहुत कि ये फिल्म स्टार वाली बात हो गई, पर आप भी अगर आप मिनिमाइज करें जो आप गलत चीजें बोल रहे हैं, तो वो बेटर होगा, क्योंकि आपकी जो गलत चीजें बोली हुई हैं वो बहुत लोग एकदम रूल बुक की तरह अपने अंदर ले लेते हैं, तो जो भी आप गलत बोलेंगे वो वही गलत सीखेंगे. इट्स लाइक अ पेरेंट, इट्स लाइक अ टीचर, यू आर अ टीचर. मेरी जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ या मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, पर कोई भी आदमी अगर मेरा चैनल देख रहा है और मैं कुछ भी अनशन बकवास कर रहा हूँ, तो वो आदमी देख के वही सीखेगा, अगर वो इनएक्सपीरियंस हुआ तो, या अगर वो अग्री कर रहा है मेरी बात से तो. इट्स जस्ट अ प्ली कि आप प्लीज कोशिश करें कि जो आप गलत बोल रहे हैं वो मिनिमाइज करें, ताकि ऐसी नेगेटिव सी इमेज ना बने ट्रेनर्स की, और ये नेगेटिव घटिया इमेज जो ट्रेनर्स की लोगों ने बना के रखी है कि नहीं इंडियन ट्रेनर को कुछ नहीं आता, वो ना हो, या वो सिर्फ देसी पहलवान सिर्फ स्टेरॉइड लेके फूल गए, ये सब ना हो.
आई हैव मेट 99% और इवन 100% ट्रेनर्स जो 90% सेंस की बात करते हैं, पर ये सब छोटी मोटी चीजें जो है वो एक नेगेटिव छाप छोड़ जाती है दिमाग में, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उन्हें गलत सिखाया है तो अंत में आगे जाके वो इंजर्ड होते हैं या कुछ भी होता है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने गलत बताया है। और उन लोगों से भी जो कि क्लाइंट्स हैं उनसे भी बोलना चाहूंगा कि यार खुद भी थोड़ी सी जो है रिसर्च किया करो, जो कोई ट्रेनर बता दे तो वो उसको सीधा मत कर लिया करो। इंटरनेट गूगल आजकल सबके पास है, अंग्रेजी पढ़नी सबको आती है, वरना हिंदी में भी ट्रांसलेट हो जाता है। पढ़ो और अपनी नॉलेज भी थोड़ी सी बढ़ाओ, ऐसे बुतों की तरह किसी को भी फॉलो मत कर लो, वो क्या बोल रहा है तुम्हें क्या पता, बिना जाने घुस जाओगे कुछ भी कर लोगे। बुजुर्ग जो है वो ये बोलते हैं पहलवान बुद्धि, पहलवान बुद्धि मतलब मोटी बुद्धि, मतलब जिसमें दिमाग नहीं है। अरे कम से कम उनको तो सही मत प्रूफ करो, नहीं है हम पहलवान बुद्धि, नहीं है ये पहलवान बुद्धि, कुछ नहीं होता है, उसको सही मत प्रूफ करने दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यही समझाता हूं और कुछ नहीं। और ट्रेनर से तो हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि प्लीज गलत चीजें मत सिखाइए लोगों को, प्लीज इंबैरस मत करिए भरे जिम के अंदर लोगों को, क्योंकि उनको पसीना आ रहा है ना तो उन्हें जिम से बाहर ना फेंकें, क्योंकि उन्होंने हल्के से डंबल गिरा लिए फ्लोर के ऊपर तो इसलिए उन्हें डांटे ना, है ना, क्योंकि अगली बार अगर आपने उसको डांट दिया और उसने सोचा नहीं यार गलत बात है, तो वो अपने ऊपर वेट गिरा लेगा, या रखते रखते उसका कोई ना कोई टेंडन या लिगामेंट खिंच जाएगा। तो प्लीज लेट्स नॉट मेक इट एन इंजर्ड एंड ब्रोकन फिटनेस कम्युनिटी, लेट्स मेक इट अ फिट अ फिटर ऑफ द फिटेस्ट कम्युनिटी दैट वी कैन सी यू। Thank you.